Welcome students. In today's video we will do question number 8, exercise 13.4, right? Now we are doing question number 8. Let us see what this question is saying. A hemispherical bowl is made of steel which is 0.25 cm thick. The inner radius of the bowl is 5 cm. Find the outer curved surface area of the bowl. Let us draw the figure of this figure. There is a hemispherical ball, राइट, जो कि आपके उसकी स्टील की थिकनेस कितनी दे रखी है, 0.25 सेंटीमीटर, और इनर रेडियस कितना दे रखा है, 5. तो आपके आप ये मान के चलिए कि यहाँ पर आपका ऐसे है, ये आपकी थिकनेस है, ठीक है. ये थिकनेस कितनी दे रखी है, 0.25 सेंटीमीटर, और जो अंदर आपका रेडियस है, अंदर वाला जो बॉल है उसका जो रेडियस है, दैट इज़ आर आपका कितना है, 5 सेंटीमीटर, ठीक है. और थिकनेस निकालेंगे तो आउटर आ जाएगा रेडियस. आप इस इनर रेडियस में से ये थिकनेस ऐड करेंगे तो आपके पास आउटर रेडियस यानी कि बाहर का, इसी जो बाहर वाला जो हेमिस्फेरिकल बॉल है इसका रेडियस आ जाएगा. देखिए, जब भी हमारे पास इस तरीके से दो कोई भी एक हेमिस्फेरिकल बॉल होता है जिसके अंदर कुछ थिकनेस होती है, तो इस केस में दो रेडियस होते हैं. एक तो ये अंदर वाला रेडियस होता है जिसको हम स्मॉल आर कहते हैं, और एक हमारे पास बाहर वाला रेडियस होता है. यानी कि आप ये देख सकते हैं कि यहाँ से लेके ये रेडियस इनर प्लस थिकनेस, अगर इन सबको ऐड कर दिया जाए तो कैपिटल आर विच इज़ कंसिडर टू बी द आउटर रेडियस, राइट. तो आप ये आउटर रेडियस के हिसाब से चलेंगे. तो अब हम इसमें स्टार्ट करते हैं. आपका जो आर है दैट इज़ द इनर रेडियस. इनर रेडियस कितना दिया हुआ है आपको बेटा, आपको इनर रेडियस दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, ठीक है. थिकनेस कितनी है आपकी, थिकनेस है आपके 0.25 सेंटीमीटर. देयरफॉर आउटर रेडियस क्या हो जाएगा आपका, अभी मैंने आपको फिगर में भी समझा दिया है. आउटर रेडियस का मतलब क्या होता है, इनर रेडियस के अंदर जब आप थिकनेस ऐड करके बाहर तक पहुंच गए हो तो यहाँ से लेके ये जो पोर्शन है ये आपका आउटर रेडियस कहलाएगा. आउटर रेडियस क्या हो गया, 5 प्लस 0.25 सेंटीमीटर. सो दिस इज़ 5.25 सेंटीमीटर, ठीक है. ये आउटर रेडियस है. आपको क्या निकालना है, कर्व्ड सरफेस एरिया, आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है. तब लिखेंगे देयरफॉर आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फेरिकल बॉल क्योंकि अभी तक हमने ऑब्जेक्ट का नाम मेंशन नहीं किया था तो वो करना ज़रूरी था. क्या होगा वो, 2π, और अब आपके पास आएगा कैपिटल आर स्क्वेयर, ठीक है. अब आप निकालिए इसको, पाई की वैल्यू नहीं दी हुई है हमें, 2 × 22/7. आर कितना है, 5.25 × 5.25, और ये आपका सेंटीमीटर स्क्वेयर में ही आ जाएगा, ठीक है. यहाँ से डेसिमल हटाइए 100, यहाँ से भी डेसिमल हटाइए, नीचे आ गया 100. अगर मैं चाहती हूँ इसको मैं सीधा ही काट सकती हूँ 25 से, 25 × 4 = 100, 25 × 2 = 50, एंड 21 × 1 = 25. तो इधर भी आपके पास 4 और यहाँ पे 21 आ गया, तो आपके पास क्या आ गया, यहाँ पे देख सकते हैं 7 से भी काट दीजिए, 7 × 1 = 7, 7 × 3 = 21, राइट. तो अब आपके पास जो वैल्यूज़ आ रही हैं उनको हम चेक कर लेते हैं. यहाँ से भी काट देते हैं, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 2 से भी काटा इसको, 11, ठीक है. आपके पास क्या बचा, 11, 3 और 21, 11, 3 = 33 × 21, और नीचे आपके पास क्या बचा है, 4, और ये आ रहा है सेंटीमीटर स्क्वेयर. चलिए मैं यहीं पे ख़त्म कर देती हूँ, नहीं तो नेक्स्ट पेज पे जाएंगे फिर वही कैलकुलेशन की प्रॉब्लम आ जाती है. आप यहीं पे लिख लेते हैं, 33 को 21 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 693, राइट, अपॉन 4 सेंटीमीटर स्क्वेयर. अब आप इसको इससे कटिंग कर लीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा. देखिए 4 × 1 = 4, ठीक है. कितना बचेगा, 2, 29 हो गया, तो 4 × 7 = 28, 1 बचेगा, 4 × 3 = 12, फिर 1 बचेगा, 4 × 2 = 8, और फिर 2 बचेगा, 4 × 5 = 8, तो 173.25 सेंटीमीटर स्क्वेयर. ये आपका क्या आ गया है, आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है. आपको समझ में आ गया क्वेश्चन,
बहुत ही आसान है बच्चे क्वेश्चंस। एक बारी फॉर्मूला आ जाए, आप फिगर बना लीजिए, आपको सब समझ में आ जाएगा बड़े आराम से। चलिए हम लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज करते हैं, ये भी बहुत आसान है। देखिए इसकी फिगर मैंने बनाई हुई है, ये जो फिगर आपको बुक में दी है उसके अकॉर्डिंग वो कह रहे हैं आ राइट सर्कुलर सिलेंडर, ये जो सिलेंडर है ये आपका राइट सर्कुलर है, ठीक है। इट एनक्लोजेज अ स्फीयर ऑफ रेडियस आर, ये जो स्फीयर है इसका रेडियस कितना है आपका आर है, ठीक है। अब यहाँ से भी आर होता है और ये भी आर है और यहाँ से भी ये जो स्फीयर है ये आपके सिलेंडर को टच कर रहा है चारों तरफ से, तो ये भी आर हो गया। तो अगर हम देखें तो ये जो सिलेंडर की हाइट है ये क्या है, R प्लस R हो गई ना, तो 2R हो गई, तो हाइट कितनी हो गई आपके 2R। आपको निकालना क्या है इसमें, आपको निकालना है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर, आपको इस स्फीयर का सरफेस एरिया निकालना है। तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं, R क्या है रेडियस ऑफ द स्फीयर, ठीक है। तो आपने S1, जब भी दो ऑब्जेक्ट होते हैं S1 S2, S1 क्या है सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर, ठीक है, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है 4πr². उसके बाद क्या निकल, कर्व सरफेस एरिया आ गया, ये आपका कर्व सरफेस, कर्व बोलो टोटल बोलो एक ही बात है। कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर भी आपको निकालना था, सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर आपका निकल गया है, ये फर्स्ट पार्ट है। सेकेंड पार्ट में आपको क्या निकालना है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, तो S2 क्या है आपका कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। अब आपको याद है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर क्या होता है, 2πRh वैल्यू प्लेस कर दीजिए, 2πRh की वैल्यू कितनी है 2R, तो 2R लिखा, ठीक है। तो 2 2's are 4, 4πR², एक आर ये है एक आर ये है, इन दोनों की पावर 1 है, मल्टीप्लिकेशन में होता है तो पावर ऐड हो जाती है 4πr². थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, थर्ड पार्ट इज सेइंग रेशियो ऑफ द एरियाज ऑब्टेंड इन 1 एंड 2, आपको रेशियो निकालना है S1 upon S2। S1 कितना था 4πr², S2 कितना आया है वो भी 4πr², आपने दोनों को काट दिया आ गया 1 upon 1। सो दिस इज इम्प्लाइज S1 is to S2 is 1 is to 1, ये आपका आंसर है। देखिए बहुत ही आसान था क्वेश्चन, सबसे पहले आपने R बताया क्या लिया, रेडियस ऑफ द स्फीयर ले लिया जो कि गिवन था आपको, S1 निकाला जो कि कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर है, S2 निकाला कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ, जब भी दो या तीन या ज़्यादा ऑब्जेक्ट दिए तो उनको S1 S2 करके हम निकालते हैं, क्योंकि जब रेशो निकालना होता है तो आपको यहाँ पे पूरी पूरी स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं होती, आप सीधा सिंपल ऑब्जेक्ट लिखेंगे उससे भी आप करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आज की वीडियो आपको अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, अगर कोई भी डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, मेरी वीडियो को शेयर कीजिए ताकि दूसरे बच्चे भी इसका बेनिफिट उठा सकें, ठीक है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम से मिलती रहे। जहाँ कहीं भी आपके कोई भी डाउट्स हैं या कोई आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन समझना चाहते हैं आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए, अगर ज़्यादा आपके डाउट्स होंगे तो मैं एक वीडियो के थ्रू आपके सारे डाउट्स को ले सकूँगी। ओके फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।